नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ काशीवासी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, या यूँ कहूँ कि बहुत दिन बाद स्वागत है। जी हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन एक मौका ही ऐसा आया है कि मुझे आज वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा। दरअसल बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? यहाँ के घाट, गंगा मैया, यहाँ के मंदिर, यहाँ का कल्चर, यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी महामना मदन मोहन मालवीय की बनाई हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर गौतम बुद्ध का सारनाथ। कहने को बनारस अपने अंदर इतना बड़ा इतिहास सम्मिलित किए हुए है। यहाँ पे कुछ भी कहिए, हर चीज़ में एक इतिहास है, हर गलियों में एक कहानी है। लेकिन बनारस का अभी भी एक हिस्सा बहुत ही अनछुआ है। हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रामनगर के बारे में। रामनगर एक्चुअली बनारस के उस पार बसा हुआ है। उस पार से मेरा मतलब किसी और देश में नहीं, गंगा के उस पार। दरअसल इसे काशी नरेश का घर भी कहा जाता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रामनगर की धरोहर के बारे में, रामनगर की रामलीला। आप सोच रहे होंगे कि रामनगर की रामलीला में इतनी क्या खास बात है, रामलीला तो पूरी दुनिया में खेली जाती है, तो रामनगर ही सबसे अलग क्यों? ये दुनिया में खेले जाने वाली से सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है, करीब 200 साल पुरानी। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी रामलीला है जो 31 दिन लगातार चलती है। रामनगर की रामलीला इतनी अनोखी इसलिए है क्योंकि इसका स्टेज एक जगह नहीं रहता। रामनगर की रामलीला का स्टेज पूरा नगर होता है। रामनगर का मैप देखेंगे तो आपको रामायण से जुड़ी सारी जगहें यहाँ मिल जाएंगी, जैसे अयोध्या, जनकपुर, लंका, पंपासर। और कमाल की बात तो यह है कि हर एक एक्ट और सीन उसी जगह पर परफॉर्म किया जाता है जहाँ वो रामायण में घटित हुआ था, जैसे राम जन्म अयोध्या में, राम जी की शादी जनकपुर में। ये रामलीला आज भी खेली जाती है उसी 200 साल पुराने तरीके से। जी हाँ, इस रामलीला में कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग नहीं होता। आज भी ये रामलीला सिर्फ पेट्रोमैक्स की रोशनी में खेली जाती है। पेट्रोमैक्स शायद आज के बच्चे ना जानते हो, आप पंच लाइट नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोमैक्स क्या होता है। ना ही कोई माइक, ना ही कोई डिजिटल इंटरफेस और ना ही कोई स्पीकर, फिर भी हजारों की भीड़ में भी बैठा हुआ भक्त रामायण के किरदारों की आवाज़ भी साफ साफ सुन सकता है, वो भी बिना माइक के। जिसने राम जानकी को सुख के समय दुख दिया, सूर्य कुल रूपे वृक्ष की है ना अद्भुत। इस रामनगर के रामलीला की एक और भी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। 30 दिन तक लगातार रामनगर एक बहुत बड़े मेले में तब्दील हो जाता है, और इस मेले में आसपास के जिले के कई दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। हजारों की तादाद में आने वाले सैलानी अपने लिए बहुत ही सारी चीज़ें खरीदते हैं, इस मेले का लुत्फ भी उठाते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन भी करते हैं। हुई ना ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो रामनगर की रामलीला शुरू कब हुई? रामनगर की रामलीला 1830 में काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने शुरू कराई थी। इसकी शुरुआत हुई थी, ये लगभग 210 वर्ष पूर्व की बात है। ये पहले महिप नारायण सिंह जी जाते थे छोटा मिर्जापुर में, और वहीं पर रामलीला होती थी। एक बार उनको पहुंचने में कुछ देर हुआ तो आरती हो गई। महिप नारायण सिंह को उससे थोड़ा सा ग्लानी महसूस हुई, और यहाँ पर जब आए और रानी जो महारानी थी उनको इन्होंने अपना किस्सा बताया तो महारानी ने कहा कि ठीक है भाई, इतना बड़ी रियासत है, आप यहीं पर रामलीला शुरू करवाइए। कोई रामलीला शुरू करने का श्रेय जाता है महाराज महिप नारायण सिंह को। उसके बाद जब महाराज ईश्वरी नारायण सिंह आए तो यहाँ की रामलीला को उन्होंने काष्ठ जिह्वा स्वामी, वहाँ पर भूमि शोधन करवा करके काष्ठ जिह्वा स्वामी जी ने वहाँ पर अलग अलग रामलीला के स्थलों का निर्माण करवाया, जैसे अयोध्या जी का अलग हो गया, जनकपुर का अलग हो गया, और पंपासर का अलग हो गया, चित्रकूट अलग हो गया, पंचवटी अलग हो गया, लंका अलग हो गया। इस तरह से लेते हुए 7 किलोमीटर के परिधि में ये लीला क्षेत्र को उन्होंने बनवाया। रामचरितमानस था उसको भी इन्होंने कलेक्ट किया, और उससे ही यहाँ की रामलीला को अवधी भाषा में यहाँ की रामलीला के पात्र जो हैं अवधी भाषा में संवाद बोलते हैं, और 1 महीने तक ये रामलीला होती है। अनंत चतुर्दशी से शुरू होकर ये लीला पूरे 1 महीना तक चलती है। वैसे प्रेजेंट डे में आज मैं और आप आज के राजा साहब से मिले
तो वो आपके मेरे जैसे ही एक नॉर्मल इंसान लगेंगे, लेकिन 31 दिनों तक वो राजशाही पोशाक में रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा स्टाफ ये चीज़ फॉलो करता है। वो सब लोग उन्हीं तरह की पोशाकें इस्तेमाल करते हैं जो राजशाही नियमों के अनुसार हो। हाथी, घोड़े, सिपाही, मंत्री और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और रोज शाम को किले से रामलीला स्थल तक एक जुलूस निकलता है जिस पर राजा साहब हाथी पे बैठ के निकलते हैं और यहाँ की प्रजा उनको देखकर हर हर महादेव बोल उठती है। आज 2 साल बाद फिर से रामलीला स्टार्ट हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अपने बनारस वासियों से कहना चाहूँगा, आप भले ही उस पार बाढ़ की वजह से घाटों पे ना जा पा रहे हों, तो इस पार आ जाइए। दुकानें सज रही हैं, कई दुकानें पेंट हो रही हैं, फिर से सड़कें गूंज उठेंगी, रोज़ भीड़ होगी। कुछ वीडियोस ज़रूर डालूंगा जो रामलीला से संबंधित होगी और यहाँ की कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो रामनगर आइए, यहाँ की रामलीला देखिए, यहाँ के पकवान खाइए, यहाँ का मेला इंजॉय कीजिए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपका इंतज़ार करूँगा रामनगर की रामलीला में। जय श्री राम।